अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको एलसीएम वाले सवाल जो है ना वो हल करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 3/4 प्लस 5/8। 4 और 8 का हमने एलसीएम लेना है, तो हमने इस तरह 4 और 8 को रखा और 2 पे डिवाइड, यानी छोटे से छोटे वर्ड पे डिवाइड करना। 2 को 2 2 4 और 2 4 8, फिर 2 1 2, फिर 2 2 4। सिर्फ 2 पे क्या 2 1, ये तो 1 का 1 है और 2 1 है, तो 2 2 4 4 2 8, यानी 8 हमारा क्या आ गया एलसीएम। अब आगे क्या करना होता है, ये जो नीचे वाला है 4 को के टेबल में 8 तक पढ़ना है, यानी 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, जैसे 4 2 8 4 2 8। अब जो 2 आया 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, 2 3 6, यहाँ पे हमने 6 मेंशन। इसी तरह 8 का टेबल 8 तक पढ़ा तो हमारे पास आंसर है 8 1 8 1, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5। अब इसी तरह 5 और 6 को आपस में प्लस किया तो ये 11/8 जो है ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर माइनस में है, अब अगर हम 3 और 2 को इस तरह मतलब करते हैं तो ये तो किसी सेम पे तो डिवाइड नहीं हो रहे, अब 3 पे करें फिर 2, फिर 2 पे अगर करते हैं तो फिर ये, यानी दोनों सेम ही आएंगे, तो फिर इस तरह की सूरत में हम इनको आपस में, मैंने दोनों तरीके इसलिए बताया था कि इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 2 6, तो 6 हमारा यहाँ पे आ गया एलसीएम। अब 3 का टेबल 6 तक पड़ा तो 3 2 6, 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4, फिर माइनस 2 को 6 तक किया तो 2 3 6, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 15। अब उसी तरह इसका अगर इस तरह कहो तो वो भी आ सकता है कि अगर 2 2 4 भी कर दिया जाए और इस तरह 5 3 15, ये भी एक तरीका है। वैसे 15 में से 4 निकाला तो ये आ गया 11/-11/6, तो ये हमारा क्या है सर।